नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला हॉस्पिटल में उपचार के दौरान स्थानीय छोटी पाली निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वही मृतक के परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि जिला हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से हमारे परिजन की मौत हो गई एवं हम प्रशासन से दूसरे डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हैं। जहां बुजुर्ग की मौत सुनते ही उनके परिजन रोते भी लगते हुए दुख प्रकट करने लगे। वही इस मामले में जानकारी देते हुए जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहेला ने बताया कि मरीज को उनके परिजनों द्वारा सीरियस हालत में जिला हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उपचार के बाद हम लोगों ने मरीज के परिजनों को हॉस्पिटल से रेफर कराकर हायर सेंटर में उपचार कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजन अपने मरीज को जिला हॉस्पिटल में ही रखे रह गए और अचानक मरीज की हालत गंभीर होने के कारण उनकी मौत हो गई। जिला हॉस्पिटल में आए दिन अनेकों मरीज आते हैं, जहां कुछ मरीजों की हालत बहुत ही गंभीर होती है एवं ऐसे मरीजों को जिला हॉस्पिटल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। वही जिला हॉस्पिटल में कुछ एक्सीडेंट के दौरान भर्ती मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। छोटी पाली निवासी अच्छेलाल यादव का जिला अस्पताल उमरिया में देहावसान हो गया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा या अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई है। इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि डॉक्टर की भूमिका एक ईश्वर की भूमिका होती है। धरती पर वो सभी का भगवान होता है, जीवन रक्षक होता है, और जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वो नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, उनकी महती जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई मरीज उनके पास आता है तो उस पर सारी बातों को दरकिनार करके कम से कम उसको जीवनदान या त्वरित उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। रात में अचानक से इनका पेट फूलता है, घर वाले परिजन बोलते हैं कि आइए कोई देखिए, कोई डॉक्टर देखने वाला रात में नहीं, और आज सुबह इनकी डेथ हो जाती है। ये डॉक्टरों की लापरवाही से एक जान चले जाती है गरीब असहाय लोगों की। कब तक हॉस्पिटल में ऐसा निरंतर चलता रहेगा? हम सरकार से, उमरिया प्रशासन से चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अभी विगत कुछ दिनों पहले भी एक हादसा ऐसा ही हुआ था और निरंतर ऐसी घटना घटित होती रहती है। ऐसे मौत के सौदागरों के ऊपर लगाम लगाई। मेरे चाचा को खून की उल्टी हो रही थी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ऋचा गुप्ता की लापरवाही से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। सारे इसमें डॉक्टर नर्स को ध्यान नहीं दिया गया। इसमें केवल बुलाने के बावजूद भी तीन चार बार बुलाया गया, इसके बावजूद नहीं आ रहा है इलाज करने के लिए। कहते हैं कि दोषी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा किसी गरीब जनता पे आहित ना हो सके। आजकल एक पेशेंट था, ये 7:30 बजे करीब हुआ था सुबह, पेट में आंतों की समस्या लगी, ऑब्स्ट्रक्शन की जो परफोरेशन पर मेडिकल आंत पड़ जाती है, तो उसको सुबह गंभीर तो था ही है, और भर्ती कर दिया था मैडम ने सुबह। उसके बाद 1:30 बजे इसका सोनोग्राफी हुआ, तुरंत ही गंभीरता को देखते बता दिया गया था कि भाई सर्जरी ऑपरेशन होगा इसका, और बड़ी जगह इसको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद अब जो भी परिजनों ने अपना उसमें साइन भी किए कि भाई हम जिम्मेदार होंगे स्थिति के लिए, नहीं जाएंगे तो। आज सुबह कल तक ठीक रहा, आज सुबह एक्सपायर हो गया। हमारे जिला उमरिया में छोटी पाली एक आती है। छोटी पाली का एक यादव कुछ सयाना था और उसकी अचानक घर पे तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसके घर वाले परिजन लोगों ने उसको जिला अस्पताल चिकित्सालय उमरिया में ले आए। ले आने के बाद उसको डॉक्टरों से जो बना उचित उपचार किया, और परिजनों का दोष है कि डॉक्टरों की दवा से लापरवाही के कारण इसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टरों का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि यह बहुत सीरियस हालत में लेके आए, इसका जो उचित उपचार था वो मैंने किया, इसके बाद इसको रेफर किया। रेफर करने पर ही अपने मरीज को लेकर के एम्बुलेंस के सहारे से आगे अन्य अस्पताल के लिए नहीं गया, उसका ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से किया गया, लेकिन वो अपने आप के खत्म हो गया। उस पर कोई न डॉक्टर का दोष है और न किसी का दोष है। अब परिजन जो है अंदाज के कारण जब डॉक्टर की बताई सलाह को नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो मृत्यु होगी या तो मरीज सीरियस होगा। अब डॉक्टर या अन्य लोग इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर किसी का दोष नहीं दिख रहा है। छोटी पाली से यादव लोग अपने परिजन के एक व्यक्ति को लेकर उमरिया हॉस्पिटल में आए और यहाँ भर्ती कराने को कहा। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया, देखा कि पेशेंट बहुत सीरियस है,
तो तुरंत उनके परिजनों को बोला कि उमरिया में सुविधा नहीं है, इसलिए इसको बाहर ले जाकर इसका इलाज कराएं। तो जैसे बोला तो उन लोगों ने लाने ले जाने में और यहाँ से भेजने के लिए कुछ समय लग गया, इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टरों ने ये कहा था कि उसको बाहर ले जाकर इसका इलाज कराएं, यथासंभव ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ले जा पाए। अब इसमें परिजन लोगों का ये डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने ठीक समय से उपचार नहीं किया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। जबकि डॉक्टर का ये कहना है कि हमने इसकी परिस्थिति की जानकारी इनको दी परिवार वालों को, लेकिन उन्होंने नहीं ले गए और जितना यथासंभव हमसे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए जो सामान और सुविधा दवाई उपलब्ध थी उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट की। यहाँ पे चिकित्सा के नाम पे सुविधाएं बहुत ना के बराबर हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई व्यक्ति यदि गंभीर रूप से बीमार हो के आता है या दुर्घटना हो के आता है तो यहाँ पे जो प्राथमिक इलाज होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। इस बात को उमरिया का जो शीर्ष प्रशासन है वो भी जानता है, उमरिया ज़िले के रहवासी जानते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये कह पाना कि डॉक्टरों ने क्या उसका इलाज किया नहीं किया बड़ा कम मुश्किल है। हमारा ये कहना है कि यदि प्रारंभिक स्टेज में भी इलाज हो जाए, इंजेक्शन और उसको स्लाइन वगैरह ऑक्सीजन मिल जाती तो निश्चित रूप से वो बच सकता था, परंतु उमरिया अस्पताल में आए दिन इस प्रकार की मृत्यु होती रहती है, चाहे शिशु हो चाहे महिला हो चाहे इस कोई भी व्यक्ति हो, ये बहुत ही दुखद पहलू है। इसमें उमरिया ज़िले के जो कलेक्टर हैं जो कि जिला चिकित्सालय के प्रभारी भी रहते हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करें और देखें, क्योंकि जिला आदिवासी है, इसके अलावा कहीं आसपास अस्पताल नहीं है। यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या ठीक ठाक है परंतु विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, ये बात सही है, परंतु इन्हीं डॉक्टरों से अच्छा काम दिया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। और हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि भविष्य में किसी भी गरीब के अस्पताल आज आने के बाद मृत्यु न हो, इसके विषय में प्रयास होना चाहिए।